अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्री लेटर वर्ड पज़ल्स। जो बच्चे पज़ल्स पसंद करते हैं, इस एक्टिविटी के ज़रिए हम उन बच्चों को स्पेलिंग याद करवा सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पज़ल पर इमेज बना हुआ है, लाइक हेड का इमेज है, तो उसके नीचे हेड के स्पेलिंग भी लिखे होंगे। बच्चे ने उन स्पेलिंग्स को देखते हुए थ्री लेटर वर्ड्स पज़ल्स कंप्लीट करने हैं। शुरू में आप बच्चे को सीक्वेंस में पज़ल्स देंगे। जैसे कैट का पज़ल है तो आप पहले बच्चे को सी देंगे, फिर ए और फिर टी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चे को एट अ टाइम दो पज़ल्स प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर टैप का हमने पज़ल्स कंप्लीट करना है तो हम टी और ए एक साथ ही दे देंगे, ताकि बच्चा जज कर सके कि पहले नंबर पे कौन सा पज़ल लगाया जाएगा। जब बच्चा अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ले, मतलब हमारा टारगेट अचीव हो जाए, तो थर्ड स्टेप में हम तीनों पज़ल्स बच्चे को दे देंगे। लाइक अगर कार का पज़ल है तो सी ए आर के कार्ड्स को हम शफल करके रख देंगे और बच्चे ने खुद कार्ड्स पकड़ कर उनको सीक्वेंस में लगाना होगा। थर्ड स्टेप में हम बच्चे को चूंकि तीनों पज़ल्स दे रहे हैं, और अगर इस दौरान बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो आप इमेज के नीचे जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं आप उस पर पॉइंट करके बच्चे को हिंट दे सकते हैं। इस तरह बच्चा खेल खेल में स्पेलिंग्स भी याद कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।